हुए लोगों की फिर से होगी जांच। जिले के स्वास्थ्य उपकेंद्र, तहसील स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दोपहर 12 से 1 के बीच पोस्ट कोविड ओपीडी की व्यवस्था आज से शुरू। भू माफियों से परेशान लोग न्याय की आस में पहुंचे गृह मंत्री के दरबार। 50 मामलों पर हुई सुनवाई तो वहीं 8 मामलों में की गई कार्रवाई। राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं कक्षा की पुनर्परीक्षा की घोषणा। नवंबर दिसंबर में होगी बोर्ड की पुनर्परीक्षा। आज से कर सकते हैं विद्यार्थी आवेदन। मनपा का पहला ऑनलाइन बजट आज। स्थायी समिति सभापति झलके पेश करेंगे बजट। कम वसूली का रहेगा असर तो वहीं नई घोषणाएं भी रहेगी कम। इंजीनियरिंग प्रवेश की AICTC ने बढ़ाई तारीख। 30 नवंबर तक दिया जाएगा प्रवेश। 1 दिसंबर से शुरू होगा नया सत्र। विदर्भ के कॉलेजों को मिली राहत। फिर बदलेगी नागपुर विवि समेत अन्य शिक्षा संस्थाओं की संरचना। राज्य सरकार ने जारी किया GR। बाहर से रेफर होकर आए शिशुओं को भी मिलेगी सुविधा। मेयो में 10 बेड का NICU तैयार। 10 का अब भी इंतजार। जिले में अब भी 557 नए मरीज तो वहीं 19 की हुई मौत, तो वहीं 497 हुए डिस्चार्ज। हिंगना बाजार में 2 गुटों में हुआ संघर्ष। आधा दर्जन से हुए ज्यादा लोग गिरफ्तार। 2 लोगों की हत्या का प्रयास तो वहीं 3 गंभीर रूप से घायल। कपिल नगर का मामला। बहन को छेड़ा तो फिर कर दी हत्या। पहले शराब पिलाई फिर किए तलवार से वार। 2 आरोपी गिरफ्तार। और सड़क के बीच में पोल हटाने व भूमिगत केबल डालने का काम 21 अक्टूबर को होगा। दिघोरी व हुड़केश्वर समेत दक्षिण नागपुर के कई इलाके रहेंगे विद्युत प्रभावित। सुबह 7 से 11 बजे तक रहेगी विद्युत आपूर्ति।